सिमिलैरिटीज हैं। ये कहा गया है कि जो इमरान खान है वो ज़रा गुस्से के तेज़ हैं, वो चाहते हैं कि वो फ़ौरन चीज़ें हों, आम तौर पे वो ज़्यादा फैक्ट्स को भी नहीं देखते हैं, वो बस एकदम से चाहते हैं कि कोई ना कोई पॉलिसी उनकी हो जाए। लेकिन उनकी वो डिफरेंस उनका डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई एक्सपीरियंस नहीं था सदर बनने से पहले। इमरान खान जो है 2013 में PTI जीत चुकी थी और खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाई थी, तो उस लिहाज से वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं। लेकिन जहाँ तक ईगो एंड टेम्परमेंट की बात आती है, आई थिंक देयर आर लॉट मोर सिमिलैरिटीज। पाक अमेरिका ताल्लुकात की तो हमने बात कर ली, अब कुछ भारत के बारे में बात करते हैं। और भारत के हवाले से भी उन्होंने अपने PTI के ट्विटर अकाउंट से कुछ ऐलानात जो हैं वो जारी किए हैं। उनके बारे में, भारत के बारे में PTI की जो उनकी जो पार्टी है उसके ट्विटर अकाउंट से ये जारी हुआ कि भारत अगर एक कदम आगे बढ़ाएगा तो पाकिस्तान दो कदम आगे बढ़ाएगा, और भारत के साथ भी ताल्लुकात जो हैं वो हम बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन देखने में ये आया था कि उनकी इंतखाबी मुहिम में वो भारत से उन्होंने एक ऐसा लाहेमल इख्तियार किया था जिसमें शायद वो भारत के उनकी जो ताल्लुकात हैं उस को एक ज़रा सख्त गिर मौकफ के हवाले से देख रहे थे। लेकिन भारत में इस हवाले से क्या कहा जा रहा है ये जानने की कोशिश की हमारी साथी रितुल जोशी ने, तो पहले वहाँ चलते हैं, देखते हैं कि रितुल ने जब भारत में लोगों से बात की इमरान खान के अपने खारजा पॉलिसी के हवाले से भारत के बयान के बारे में, तो वहाँ क्या कहना था, आइए देखते हैं। इमरान खान के आने से मुझे लगता है भारत में कोई ज़्यादा आशा तो नहीं है, लेकिन ये है कि अगर उनके का हाथ है तो कहीं पर अगर भारत को एक आउटरीच करनी है तो उसके लिए वो काफ़ी सार्थक भी सिद्ध हो सकते हैं। तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि नवाज शरीफ के साथ मिलिट्री नहीं थी, लेकिन नवाज इमरान खान के पीछे को देखा जा रहा है। तो कहीं पर अगर आपको पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है और उसको बीच में डिले नहीं होना है तो एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। ये इलेक्शन लीस्ट फेयर है शायद, और इंटरफेरेंस बेहद हुई है। PMLN को तो वो चाहते थे कि वो नहीं है, उनको तोड़ फोड़ कर दिया। इमरान खान उनका प्रिफर्ड कैंडिडेट था, पर यहां भी उनकी कुछ हद तक चाल रही है। वो ये नहीं चाहते थे कि इमरान खान को बड़ी मेजॉरिटी मिले। जब कोएलिशन गवर्नमेंट होती है तो उसमें कमजोरियां तो होती हैं, की अपॉर्चुनिटी पूरी हद तक रहेगी इंटरफेरेंस करने की। पाकिस्तान के साथ भारत का अनुभव पहले भी बड़ा कटु अनुभव रहा है, चुनी हुई सरकारें बड़ी अपने आप को असहाय महसूस करती हैं। इमरान खान कितने असहाय हैं कितने नहीं है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। जब तक वो नहीं पता चल जाता कोई भी प्रेडिक्शन करना, कोई भी सोचना कि क्या होने वाला है कल, स्पेकुलेट करना मुझे लगता है संभव नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि हमारा जो अनुभव रहा है भारत की भिन्न विभिन्न सरकारों का जो अनुभव रहा है पाकिस्तान की सरकारों के साथ, मैं उस बिलों बिल्कुल हमने देखा कि जो भारतीय माहरीन ने भी यही कहा कि ताल्लुकात बहुत पेचीदा हैं पाकिस्तान और भारत के और हमेशा से रहे हैं तारीखी तौर पर। लेकिन क्या इमरान खान एक ऐसे लीडर के तौर पर जो एक सख्त मौकफ रखते हैं लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हो, आप कैसे देख रही हैं पाकिस्तान और इंडिया ताल्लुकात को? देखिए फिलहाल जैसे आपने कहा पेचीदा हैं ताल्लुकात और हमेशा रहे हैं। अब इमरान खान ने अपनी पहली स्पीच में बेशक कहा कि हिंदुस्तान एक कदम लेगा हम दो कदम लेंगे, सेंटिमेंट बहुत अच्छा है। लेकिन मसला सबसे पहली बात का यह है कि देखिए नवाज शरीफ ने भी कोशिश की थी कि वो अलग से इंडिपेंडेंटली हिंदुस्तान से बातचीत करें और उन्होंने पाकिस्तानी फौज से आप समझे ज्यादा जिक्र नहीं किया था या उनको ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया था, तो हमने देखा कि नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ। तो आई थिंक इमरान खान के लिए बहुत बड़ा लेसन है कि अगर आप इंडिपेंडेंटली कोई पॉलिसी, खारजा पॉलिसी अगर आप करना चाहें, अगर हिंदुस्तान के साथ उन्होंने बातचीत करनी शुरू कर दी और पाकिस्तानी फौज ने इमरान खान को सपोर्ट नहीं किया तो फिर हम देखेंगे कि शायद खारजा पॉलिसी में कोई ना कोई मसला हो जाएगा। लेकिन यहाँ जैसे हमने भारत से भी सुना कि अगर एक तरफ तो ये देखा जाता है कि फौज अगर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में असरअंदाज होती है तो बात दोनों मुल्कों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन यह भी सुनने में आया कि अगर फौज और पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत एक ही पेज पर है तो ये पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के लिए शायद बेहतर हो, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बेहतर होगी। देखिए हम लोग देख भी रहे हैं अभी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल बाजवा, उन्होंने भी जैसे मीडिया ने कहा था बाजवा डॉक्ट्रिन है, उस बाजवा डॉक्ट्रिन के अंदर भी उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। लेकिन
पाकिस्तान के भी कुछ अपने इंटरेस्ट हैं और हिंदुस्तान के भी कुछ अपने इंटरेस्ट हैं। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी थी कि इमरान खान ने अपनी पहली स्पीच में उन्होंने कश्मीर का कोई जिक्र नहीं किया। जब वो कैंपेन ट्रेल पे थे हमेशा वो कश्मीर का जिक्र करते थे और कहते थे कि जब भी कश्मीर हल नहीं हो सकता पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुक बेहतर नहीं हो सकते, लेकिन अपनी पहली स्पीच में उन्होंने कश्मीर का जिक्र नहीं किया, विच आई थिंक इज अ गुड थिंग क्योंकि कश्मीर भी इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू। तो आई थिंक सेंटिमेंट पहले इस्टेब्लिश करना अच्छा है कि भाई हम चाहते हैं कि अमन मुज़ाकरात हों, हम चाहते हैं कि हमारी जो फौजें हैं वो ज़रा मिलें और एक जैसे अमन। उन्होंने स्पीच में तो शायद नहीं कहा लेकिन ट्विटर पर फिर अगेन उन्होंने अपना जो बयान जारी किया उसमें कश्मीर का जिक्र ज़रूर था भारत के साथ। एक चीज़ जो भारत में शायद जिस पर तशवीश पाई जाती है वो ये है कि इमरान खान शायद एक कंज़र्वेटिव रहनुमा है और वो एक सख्त गिर मौक़िफ़ रखते हैं, वो तालिबान से बातचीत करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं अमरीका को भी लेकर आना चाहूँगा, अमरीका में भी यही तासुर पाया जाता है कि इमरान खान शायद तालिबान से बातचीत के हामी है, वो उनके लिए एक नरम शायद गोशा रखते हैं बातचीत के हवाले से, लेकिन अमेरिका खुद भी तालिबान से बात करना चाहता है। तो इमरान खान एक लिबरल लीडर या इमरान खान एक कंजर्वेटिव लीडर पाकिस्तान अमेरिका और पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के लिए? देखिए मेरे नज़र में जो इमरान खान है वो एक कंजर्वेटिव लीडर है, ठीक है, जैसे नवाज शरीफ कंजर्वेटिव लीडर होते हैं, तो दोनों नून लीग एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंटर राइट पार्टीज हैं, तो उस लिहाज से कोई मुख्तलिफ नहीं है। अब जहाँ तक तालिबान से बातचीत करने की बात आती है, आजकल अमेरिका जैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो आगे जा रहा है कि हम तालिबान के साथ बातचीत करना चाहते हैं। अगर ये सेंटिमेंट रहा, अभी एलिस वेल्स भी मिली थी तालिबान ऑफिशियल से, अगर ये सेंटिमेंट रहा तो एक लिहाज से इमरान खान का प्राइम मिनिस्टर होना एक अच्छी बात है क्योंकि अगर वो तालिबान को मेज़ पर ला सकते हैं और अमेरिका भी मेज़ पर आना चाहती है और अफगानी हुकूमत भी मेज़ पर आना चाहे तो शायद कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए दो तीन सालों में। 5 साल हैं इमरान खान के, अभी तो शुरू हुए हैं, तो वी कैन सी के इट्स क्या होता है। तो आई थिंक इन वन वे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट। जहाँ तक हिंदुस्तान की बात आती है, आई थिंक उसके लिए इमरान खान विल हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि फौज जो है वो हिंदुस्तान के बारे में ज़्यादा सेंसिटिव कम्पेयर टू अफगानिस्तान, ठीक है। और अगर खित्ते की बात करें तो पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात की जब बात होती है तो अफगानिस्तान भी आता है और चीन भी आता है। हिस्टोरिकली देखा यह गया है कि पाकिस्तान और चीन दोनों ही अलायंस बनाते हैं भारत को टैकल करने के लिए, तो इमरान खान के दौर में क्या यही होगा जैसे कि हिस्टोरिकली चलता आया, क्योंकि भारत चीन भी समझता है कि भारत उसके लिए शायद एक थ्रेट है, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात आपके सामने हैं, तो क्या ये अलायंस जो पाकिस्तान और चाइना का है टू टैकल इंडिया चलता रहेगा? आई थिंक ये बिल्कुल चलता रहेगा एंड पार्टली ये कुछ इकोनॉमिक कंसर्न्स भी हैं। देखिए सीपैक जो है, जो चाइना एक पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चीन ने पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, ऊपर से पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो ज़रा अभी ख़तरे में है, तो आई थिंक पाकिस्तान के कम अज़ कम पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि वो चीन के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखे, लेकिन साथ साथ जहाँ तक ये इंडिया को काउंटर करने की बात होती है, लेकिन जो रीजनल पॉलिटिक्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बदलते हैं, उनके जो ट्रेंड्स हैं हम देखते हैं जैसे 10 साल बाद 15 साल बाद, क्या कोल्ड वॉर को फॉर एग्जांपल, कोल्ड वॉर को ख़त्म हुए 1989 में कोल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, हम अभी भी कोल्ड वॉर के बारे में जिक्र करते हैं, कोल्ड वॉर पॉलिसीज़ के बारे में जिक्र करते हैं, तो जो रीजनल डायनामिक्स होते हैं वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बदलते हैं। तो आई थिंक इमरान खान के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम खारजा पॉलिसी के अंदर कोई मेजर शिफ्ट नहीं देखेंगे एकदम से पाकिस्तान से। लेकिन अगर जैसे हमने बात की आपने भी शुरू में कि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान में कुछ सिमिलरिटीज हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक मेजर शिफ्ट किया, बिल्कुल सडन चेंजेस किए हैं खारजा पॉलिसी में, उन तमाम डील से और जो मुआहदे हुए हैं उनसे निकाला अमरीका को, जो कि तारीखी तौर पर और हिस्टोरिकली और जो ट्रेडिशनली चलते आते हैं और जो हर एडमिनिस्ट्रेशन जिसको एक्सेप्ट करती है, तो क्या ये चीज़ आप इमरान खान में देख रही हैं कि वो शायद बिल्कुल हट कर करेंगे बाकी सिविलियन गवर्नमेंट से? देखिए जो ये तो फिर हम बात कर रहे हैं जैसे अमरीका और पाकिस्तान की जो पोलिटिकल सिस्टम है उसमें क्या डिफरेंस है, फिर अमरीका का जो पोलिटिकल सिस्टम है फौज जो है टेक्निकली वो सिविलियन लीडरशिप की सबॉर्डिनेट है, राइट, यानी जनरल मैटर्स एकदम से नहीं कह सकते ट्रंप आप चले जाएँ हम कू कर रहे हैं, राइट। पाकिस्तान में इट्स अ डिफरेंट सिस्टम, तो पाकिस्तान की जो फौज है वो खारजा पॉलिसी के मामले में खास तौर पे इट्स अ लिटिल मोर इन्वॉल्व्ड, तो इमरान खान मैं समझती हूँ कि एक लिहाज से ही विल हैव लेस फ्लेक्सिबिलिटी, राइट, कि वो ही डिड टर्न हेड्स व्हेन ही टॉक्ड अबाउट, उन्होंने जब अपनी पहली स्पीच के अंदर इन तमाम अहम खारजा पॉलिसी के उमूर के बारे में बात की तो इंटरनेशनल मीडिया में ट्रैक्शन हुई, लोगों ने ऑफकोर्स CNN ने उनके जो स्पोक्स पर्सन उनसे बात की। अब मैं बात करना चाहूँगा ईरान और सऊदी अरेबिया। ईरान ऑफ कोर्स खित्ते का मुल्क है, सऊदी अरब जो है वो एक पाकिस्तान का अलायंस रहा है तारीखी तौर पर। इमरान खान का ये कहना है कि हम
सऊदी अरब और ईरान के मामले में हम एक ऐसा मुल्क बनना चाहेंगे जो मसाहलती अमल में मदद करे, ना कि एक ऐसा मुल्क जो कि जंग में मदद करे। इस चीज़ को आप कैसे देख रही हैं, इससे उनका मतलब क्या है और वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं? तो इससे इनका मतलब बेसिकली ये है कि हम चाहते हैं कि हम फौजों के अंदर दखल अंदाजी ना करें, यानी हम पाकिस्तानी सोल्जर्स को ना भेजें जंगों में, और इंस्टेड हम अगर हो सके हम डिप्लोमेटिक अप्रोच इस्तेमाल करें। लेकिन पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक अप्रोच क्या ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मौजूद टेंशन को ख़त्म कर पाएगी? मेरे ख्याल में, एंड ऑब्वियसली दिस इज जस्ट माई पर्सनल व्यू, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान को ज़रा अपने मामलात में ज़्यादा फोकस करना चाहिए और ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान नहीं फोकस करना चाहिए। और उसकी दो वजूहत है। सबसे पहली बात यह है कि जो रीजनल डायनामिक्स ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान है, राइट, इट्स सॉर्ट ऑफ वो एक आप समझें का मसला है, फिर अपने मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स हैं। पाकिस्तान का मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान की इकॉनमी, कम अज़ कम मेरे ख्याल में इमरान खान को कोशिश करनी चाहिए कि वो पाकिस्तान की इकॉनमी को इम्प्रूव करें, और जो इर्द गिर्द नेबर्स हैं यानी अफगानिस्तान और हिंदुस्तान, उन दोनों मुल्कों को। खारजा पॉलिसी के साथ इकॉनमी भी उनका अहम मौजू है, और उन्होंने कहा है कि वो ओपन बॉर्डर्स की पॉलिसी अपनाना चाहते हैं भारत और अफगानिस्तान के साथ। थैंक यू सहर फॉर योर टाइम एंड इनसाइट, थैंक यू वेरी मच। और पाकिस्तान में इलेक्शन के हतमी नतज और जोर तोर से मुतलिक मजीद खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट उर्दू voa.com पर, जहां हमने इलेक्शन 2018 के नाम से एक हिस्सा तश्कील दिया है। और पूरी दुनिया में जहां वेबसाइट्स पर और ये पाकिस्तान के इलेक्शन को कवर किया जा रहा है, इसी तरह सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में बहुत बातचीत की जा रही है। हमारी साथी वर्दा खलील हमारे साथ होंगी यहाँ स्टूडियो में, और वह हमें बताएंगी कि सोशल मीडिया पर जहाँ पाकिस्तान के इलेक्शन की कवरेज हुई उसमें अच्छा, हम पहले प्रोमो पे जाएंगे उसके बाद वर्दा से बात करेंगे, तो उसी ने मिनट। पाकिस्तानी इलेक्शंस हैं वो जहां पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर छाए रहे, वहां दुनिया भर में भी सोशल मीडिया पर काफी रिएक्शन देखने में आया है पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में। लेकिन एक चीज जो इसमें नुमाया नजर आई वो मजाक का आंसर था। बहुत से कार्टून्स शेयर किए गए जिसमें पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में बात की गई। वर्दा खलील हमारे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में। वर्दा से हम बात करेंगे कि वर्दा ये बताइए कि किस किस्म के कार्टून शेयर किए गए हैं और उसमें क्या कहा जाता रहा है? साकिब, जहां पे इन इंतखाबात और इलेक्शन के दौर में जहां पे लफ्जों का इस्तेमाल किया गया है, वहीं पर कार्टून्स का और मीम्स का जो इस्तेमाल है वो ना सिर्फ इस तनाव के माहौल में मजाक का आंसर लेकर आया है, वो इन्होंने इसकी बेहतरीन तस्वीर कशी की है। जैसे ये जंग का जो आप एक कार्टून देख रहे हैं और उनमें दिखाया गया है, क्योंकि इलेक्शन के नतज में ताखिर हो रही थी तो दिखाया गया है कि दोनों जो सरबराहान हैं पार्टियों के वो किस तरह इस शेरवानी के डिजाइन से वो अपना नतीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो अगले दिन जो अंबार लग जाता है प्रॉमिसेस का, ट्रिब्यून ने उसकी जो तस्वीर कशी की है कि किस तरह उस अंबार को इकट्ठा किया जा रहा है। तो इसके अलावा हमारे पास ये डॉन का है जिसमें फिर एक बार जो नतीज में ताखिर हो रही थी उसको नतीज को पटारी से बाहर निकालने के लिए बीन बजाई जा रही है। तो ये जो हमारा जो मजाक का आंसर था उसने इलेक्शन को भी एक थोड़ा सा लाइट माहौल कर दिया है। और इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं तो बेतहाशा मीम्स हैं जो मेरा ख्याल है आपको अकेले में बैठकर हंसी हंसाने में बहुत ही काम देगी। और आगे देखिए कि और इस इलेक्शन का जो है सोशल मीडिया पर क्या असर पड़ता है। थैंक यू वर्दा खलील हमारे साथ थी। थैंक यू वर्दा, और हमें बताते थे सोशल मीडिया के बारे में। इसके साथ ही आज का व्यू 360 खत्म होता है। साकिब अल इस्लाम को इजाजत दीजिए। हैव अ नाइस इवनिंग।